दिन में भीषण गर्मी और रात में जमा देने वाली ठंड, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। दिन के समय में रेत पर चलना मतलब आग के अंगारों पर चलने जैसा है। रेगिस्तान की गर्म हवाएं किसी की भी रूह को जुदा कर सकती है। रेगिस्तान दुनिया के सबसे कठोर वातावरणों में से एक है और ऐसे कठोर वातावरणों में बेहद कठोर, खतरनाक और जहरीले जीव ही पनप सकते हैं। और जब भी हम जहरीले जीवों की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला ख्याल सांपों का आता है। सांप दुनिया भर के गर्म स्थानों में पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं। लेकिन रेगिस्तान की रेत में पाए जाने वाले ज्यादातर सांप बेहद जहरीले होते हैं। अगर ये काट ले तो पल भर में किसी भी व्यक्ति के शरीर से उसके प्राण पखेरु जुदा हो जाएं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले सांपों में रैटल स्नेक सबसे लोकप्रिय और खतरनाक है। ये तो आप सभी जानते हैं कि इनकी पूंछ में लगे झुंझुने के कारण इनका नाम रैटल स्नेक रखा गया है, जिसे ये चेतावनी देने के लिए हिलाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है वाइपर्स की 33 प्रजातियों में से एक रैटल स्नेक इतने खतरनाक होते हैं कि अगर इनको मार भी दिया जाए या इनका सिर भी काट दिया जाए तो भी ये आपके लिए जानलेवा हो सकते हैं, क्योंकि ये मरने के बाद भी काटने की क्षमता रखते हैं। इनके काटने से कुछ ही सेकंड में इंसान की मौत हो सकती है। ये खासकर साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट और नॉर्थ मैक्सिको के रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। इनके अलावा इनलैंड ताइपन, जिसे दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है, इलेपिडे फैमिली का ये सांप इतना खतरनाक और जहरीला होता है कि इनमें एक ही बार में 100 लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त मात्रा में जहर होता है। 2 मीटर लंबा ये सांप ईस्टर्न और सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान में अगर आप जाते हैं तो वहां आपको सींग वाले रेगिस्तानी वाइपर और सॉस्केल्ड वाइपर का सामना करना होगा। ये देखने में ही इतने खतरनाक होते हैं कि किसी की भी रूह कांप जाए। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ अमेरिका के रेगिस्तान में जाएंगे तो आपको साइड वाइंडर का सामना करना पड़ेगा। इस सांप को इनके रेंगने के अनोखे तरीके के कारण साइडवाइंडर नाम दिया गया है। हालांकि ये 12 से 30 इंच के आकार के ही होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ रेंग सकते हैं। दोस्तों, सांप एकमात्र विषैले रेगिस्तानी जानवर नहीं है, बल्कि और भी कई ऐसे जीव हैं जो बेहद खतरनाक और जहरीले हैं, और इन्हीं में नाम आता है बिच्छू का, जो रेगिस्तान के जहरीले शिकारियों में सांपों के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, जिनमें डेथ स्टॉकर बिच्छू का नाम सबसे पहले आता है। इस बिच्छू का नाम ही आपकी रूह कपा देने के लिए काफी है। इसे नकाब डेजर्ट स्कॉर्पियन, ऑमडुरमैन स्कॉर्पियन और पैलेस्टीन येलो स्कॉर्पियन के नाम से भी जाना जाता है। इसे दुनिया का सबसे घातक बिच्छू माना जाता है और ये सबसे दुर्लभ बिच्छुओं में से एक है। इस बिच्छू का डंक बेहद दर्दनाक होता है। डेथ स्टॉकर का जहर दुनिया के सबसे महंगे तरल पदार्थों में से एक है। इसके 1 ग्राम जहर की कीमत करीब 7,000 से $8,000 तक होती है। शोधकर्ताओं के अनुसार डेथ स्टॉकर के जहर में पेप्टाइड क्लोरोटॉक्सिन पाया जाता है, जो मनुष्यों में ब्रेन ट्यूमर को ठीक करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा एरिजोना बार्क स्कॉर्पियन यूनाइटेड स्टेट और साउथ वेस्टर्न मैक्सिको के सोनोरन डेजर्ट का एक छोटा लेकिन खतरनाक बिच्छू है। इनका डंक मनुष्यों के लिए बेहद घातक होता है। इसके अलावा क्या आपको पता है ये एक बार में 30 बच्चों को जन्म देते हैं। सांप और बिच्छू के बाद बारी आती है मकड़ियों की। मकड़ियां दिन के समय रेगिस्तान में बिल खोदकर या चट्टानों के नीचे छिपकर जीवित रहती है और फिर रात में भोजन की तलाश में बाहर आती है। रेडबैक मकड़ी इसका एक उदाहरण है। ऑस्ट्रेलियाई मकड़ी ब्लैक विडो के जैसे ही, रेडबैक मकड़ी के भी ऑस्ट्रेलिया में हर साल 10,000 से अधिक स्पाइडर बाइट्स के केसेस आते हैं। हालांकि इनके काटने से अधिक दर्द तो नहीं होता है, लेकिन अगर समय पर इलाज न किया गया तो इनका जहर इतना खतरनाक होता है कि इंसान की मौत भी हो सकती है। डेजर्ट रेक्लूज स्पाइडर भी अपनी चचेरी बहन ब्राउन रेक्लूज स्पाइडर की ही तरह घातक होती है। इसके अलावा 25 सेंटीमीटर आकार की वेस्टर्न डेजर्ट टारंटुला एक ऐसी मकड़ी है जो सिर्फ काटती नहीं है, बल्कि अपनी बॉडी के छोटे छोटे बाल इंसानों के स्किन में गड़ा देती है। इसके कारण कई दिनों तक आपकी बॉडी में जलन होती रहती है। हमारी सूची में एक और डरावना रेंगने वाला जीव है,
और वो है सेंटीपीड। रेगिस्तान में सेंटीपीड की दो प्रजातियां पाई जाती है, जायंट सेंटीपीड और कॉमन डेजर्ट सेंटीपीड। ये दोनों 7 या 8 इंच तक लंबे हो सकते हैं। अगर आपने गलती से इन पर पैर रख दिया तो ये दर्दनाक बाइट दे सकते हैं। और क्या आपको सेंटीपीड नाम के पीछे का मतलब पता है? सेंटीपीड का मतलब होता है 100 पैरों वाला, लेकिन इनके पैर बिल्कुल 100 की संख्या में नहीं होते हैं, बल्कि 15 से 191 के जोड़े में होते हैं। तो है ना ये कमाल के। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी आप रेगिस्तान से गुजर रहे हो और अगर आपको एक अजीब सी भिनभिनाहट की आवाज सुनाई दे तो इसे नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। ये अफ्रीकी मधुमक्खियों के आने की संभावना हो सकती है। अफ्रीकी मधुमक्खियां हमेशा झुंड में आती है और अगर इन्हें उकसाया जाए तो पूरा झुंड आपका पीछा करते हुए आपके ऊपर हमला कर देगी। इनके एक झुंड में करीब 50,000 मधुमक्खियां होती है। इनसे बचने का एक ही उपाय है कि किसी आश्रय में छिपा जाए, लेकिन रेगिस्तान में आश्रय ढूंढना बेहद मुश्किल है। इसलिए सावधान रहें, क्योंकि रेगिस्तान में केवल मधुमक्खियां ही उड़ने वाली जीव नहीं है, बल्कि ततैया भी बेहद खतरनाक उड़ने वाली जीव है। रेगिस्तान में कॉमन ततैया के अलावा टेरेंटुला, हॉक ततैया भी पाए जाते हैं। अगर ये आपको काट ले तो आपको लगभग 3 मिनट के लिए लकवाग्रस्त कर देती है। हालांकि ये तब तक डंक नहीं मारती है जब तक कि इनके घोंसले को खतरा न हो। दोस्तों, इसके अलावा आपने बिल्लियां तो बहुत देखी होंगी, लेकिन कॉगर दुनिया की सबसे बहुमुखी बिल्लियों में से एक है। ये रेगिस्तान की एक खतरनाक शिकारी है। दूसरे बिल्लियों के मुकाबले ये अक्सर खोर वाले जानवरों, पक्षियों और छोटे सरीसृपों का शिकार करती है, और यही कारण है कि ये कभी कभी मनुष्यों को भी अपने शिकार के रूप में ही देखती है, खासकर तब जब कोई इंसान इनसे दूर भागने की कोशिश करता है। इन्हें पूमा और माउंटेन लायन के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में लाल कंगारू पाए जाते हैं, जो सभी कंगारुओं में सबसे बड़े होते हैं। लाल कंगारू शाकाहारी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इंसानों पर हमला नहीं करते हैं। लाल कंगारुओं को खतरा महसूस होने पर अपने शक्तिशाली पैरों से इंसानों को लात मारने के लिए जाने जाते हैं। इनके शरीर की बनावट ऐसी होती है कि ये इस वीरान रेगिस्तान में आसानी से रह सकते हैं। रेगिस्तान में स्तनपायी जानवरों के अलावा पक्षियां भी पाई जाती है, जो बेहद खतरनाक होती है, जिनमें से एक है शुतुरमुर्ग, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। और आप विश्वास करें या ना करें, ये अफ्रीका के रेगिस्तानों में सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। शुतुरमुर्ग के पैर लंबे और शक्तिशाली होते हैं, जो इन्हें तेजी से दौड़ने और हमला करने में सक्षम बनाते हैं। इनके पैर की उंगलियों पर भी लंबे पंजे होते हैं, जो करीब 21 इंच तक लंबे होते हैं। इन पंजों की सहायता से ये किसी की जान भी ले सकते हैं। हालांकि शुतुरमुर्ग आमतौर पर हमला नहीं करते हैं। इनकी पहली प्रवृत्ति भागने की होती है, फिर भी जब इन्हें लगता है कि इन्हें या इनके अंडों को खतरा है तो ये हमला कर देती है। इनके अलावा एक और शिकारी है जो बेहद खतरनाक है। जी हाँ, ये है अफ्रीकी रेगिस्तानी कुत्ते, जिन्हें डिंगो कहा जाता है। डिंगो ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष शिकारी हैं। ये कंगारुओं, वॉलबीज, पक्षियों और कीड़ों का शिकार करते हैं। हालांकि ये इंसानों से दूर ही रहते हैं, लेकिन भूखे होने पर ये इंसानों पर भी हमला कर देते हैं और बुरी तरह से चीर फाड़ देते हैं। ये अक्सर झुंड में रहते हैं। अफ्रीकी जंगली कुत्ते हिरन, शुतुरमुर्ग और लोमड़ियों का भी शिकार करते हैं। क्योंकि ये झुंड में हमला करते हैं, इसलिए इनसे बचना लगभग नामुमकिन है। रेगिस्तान के रेंगने वाले शिकारियों में गिला मॉन्स्टर का भी नाम शीर्ष पर आता है। दुनिया की कुछ जहरीली छिपकलियों में से गिला मॉन्स्टर सबसे प्रसिद्ध है। मोजावे, सोनरॉन और चिहुआहुआन रेगिस्तानों में पाई जाने वाली ये धीमी गति से चलने वाली छिपकली अपना 90% समय जमीन के अंदर बिताती है, इसलिए इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी किस्मत खराब हुई और गिला मॉन्स्टर ने आपको पकड़ लिया तो ये आपसे चिपक जाते हैं, और इनसे पीछा छुड़ाने के लिए पानी की जरूरत होती है, जो कि रेगिस्तान में मिलना बेहद मुश्किल है। तो जब भी आप डेजर्ट में घूमने जाएं तो इनसे सावधान रहें।
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन सभी जानवरों में से कौन सा जानवर आपको सबसे अधिक खतरनाक लगा कमेंट में लिखना न भूलिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही प्रकृति से जुड़ी अनोखी वीडियोस देखने के लिए अभी वाइल्ड ग्लोज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारी वाइल्ड ग्लोज फैमिली के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखिए।